hello dear students once again saket sir is here with second video of your poem geography lesson today i am going to teach you i am going to explain the question answer of this chapter geography lesson in the first video i have already described the summary of the geography lesson that this poem has been डिवाइडेड इंटू थ्री स्टैंड ये जो पोएम है आपका ये तीन स्टैंड में डिवाइड किया गया था एंड uh, जो चैप्टर का जो टाइटल है वो जियोग्राफी लेसन है जो पोइट का नाम है जुलफिक्र घोष है एज यू नो वेल एंड इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द ऑल द पार्ट्स है ना पर्टिकुलरली एक, एक करके तीनों पार्ट को हम लोगों ने देखा था द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हमने किया था और फिर जो डाउट्स थे उस चैप्टर को लेकर के लाइव क्लास में हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पोएम सो सोल्यूशन केयरफुल्ली द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है ना कि फाइंड थ्री और फोर फ्रेजेस इन अ स्टैंडर्स वन एंड टू विच आर लाइकली टू अकर इन अ जियोग्राफी लेशन यानी आपको थ्री और फोर फ्रेजेज निकालने हैं ना जो आइडम्स फ्रेज होते हैं जिनको आप प्रोवर्ब कह सकते हैं दोनों स्टैंडा वन और टू से स्टैंडा तो तीन दिया हुआ है पोएम में लेकिन वन और टू स्टैंड से आपको कुछ फ्रेज दिया हुआ है पोएम में उसको आपको क्या करना है है ना क्लासीफाइड करना है अलग अलग उसको निकाल करके बताना है जिससे ये रिलेटेड और एक चीज़ पता चलना चाहिए कि वो जियोग्राफी लेसन है ना टाइटल्स से वो मैच करता हो एज आंसर हम लोग देखते हैं इसका क्या है कि सम फ्रिज इज जस्ट वेट सम फ्रिज इज दैट आर लाइकली टू ऑकर इन अ जियोग्राफी लेसन आर द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड है ना तो इसमें जो फर्स्ट फ्रेज आपका आता है वो ये है कि द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड यानी जो शहर है वो उसी तरह से अपना जो रास्ता है वो खुद बनाते चला गया और ख़ुद से क्या होते चला गया वो डेवलप्ड होते चला गया है ना जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट स्टैंडर में कि विदाउट एनी प्लान है ना बिना किसी प्लान के जो हमारा शहर है वो डेवलप्ड होते गया एंड ड्यू टू इट इट हैज़ लॉस्ट हिज ब्यूटी है ना जो है कि शहर जो है वो अपना ब्यूटी क्या करता है वो खो दिया है वो अपने स्टाइल को खो दिया है तो एक ये आपका फ्रेज निकलता है दूसरा द सेकेंड वन इट स्केल सिक्स इंचज टू द माइल और अर्थ को प्लानेट को हमने शहर को पोएट ने कहाँ से कहाँ तक देखा है तो सिक्स इंच से स्टार्ट किया है और माइल तक के डिस्टेंस तक जाकर के उसने सिटी का जो व्यू है उसको ऑब्जर्व किया है तो पूरा इसमें ये मीनिंग निकल जाता है सेकेंड फ्रेज आपका हो गया थर्ड वन सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन है ना शहर वहीं है मैक्सिमम शहर धरती पे वहीं है जहाँ जहाँ क्या है नदियाँ हैं आप सुनते होंगे कि ये शहर इस नदी के किनारे पर सिचुएटेड है ना इस नदी के इस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है जैसे पटना है हमारा तो पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर है ना पटना जो है गंगा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है अपना छपरा सरयू रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है है ना जैसे लखनऊ है तो गोमती रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है तो देर आर सिबरल सिटीज बहुत सारे सिटीज हैं है ना अपने इंडिया में जो कि रिवर्स के साइड में रिवर्स के बैंक पे क्या है वो सिचुएटेड किए गए हैं वनारसी है आप देख सकते हैं एंड द वैलीज वी आर पॉपुलेटेड और एक फ्रेज ये है कि जो वैलीज वी आर पॉपुलेटेड यानी अपने यहाँ जो है ना कि बहुत डेंस क्या है फॉरेस्ट है माउंटेंस है रिवर्स है ये सारी चीज़ें हैं तो देर आर फोर फ्रेजे चार फ्रेज हम लोग जो है देखी वी फाइंड इन द स्टैंडर नंबर वन एंड टू में आपको ये फोर्थ फ्रेज आपको मिलते हैं तो इसको याद रखना है चारों फ्रेज को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर ये तो ये फोर्थ फ्रेज आपको लिखने होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ये ऑब्जेक्टिव है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन जब आप किसी एरोप्लेन से है ना ट्रेवलिंग करते हैं मीन्स यू आर इन द एयर जब आप एयर में होते हो दिटी एपीयर्स तो शहर आपको किस तरह का दिखता है कैसा नज़र आता है व्यू जो होता है किसी भी सिटी का वो कैसा लगता है द फर्स्ट वन एज हैजड एज ऑन ग्राउंड है ना क्या जैसा ग्राउंड पे दिखता है उसी तरह का शहर दिखता है मैंने उसी प्लान का दिखता है क्या लेकिन ऐसा नहीं है हम जब हवा में होते हैं तो हमें उस तरह का ही जो है ना कि शहर जो है वो नज़र नहीं आता है है ना वो नज़र नहीं आता है एज नीट एज ए मैप क्या वैसा ही दिखता है जैसा कि मैप पे है तो ये भी क्या है ऑप्शन आपका गलत है एंड द थर्ड एज डेवलप्ड एज नेसेसरी हाँ ये करेक्ट है मीन्स वॉट द वॉट इज़ द व्यू व्यू ये होता है कि जिस जिस तरह से शहर को जरूरत पड़ती गई है ना आवश्यकताएँ बढ़ती गई शहर की उस तरह से हमारा शहर जो है वो डेवलप्ड होते गया यही पता चलता है जब हम हाइट पे होते हैं एरोप्लेन में होते हैं उसकी विंडो से जब हम अपने सिटी को देखते हैं तो इस तरह का वो अपीयर आता है कि एज डेवलप्ड एज नेसेसरी यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती गईं जिस जिस तरह से लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे जो है कि क्या हो ये जो लोकेलिटी है कॉलोनी है है ना सिटी जो है वो बढ़ते गया डेवलप्ड करते गया मीन्स विदाउट एनी प्लान किसी बिना किसी प्लान के तो इसका जो आंसर है वो क्या है थर्ड है द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ़ जियोग्राफी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें देर आर सेवरल स्टेट्स देर आर फाइव स्टेटमेंट्स ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव स्टेटमेंट्स यहाँ दिए इसमें यह बताना है कि जियोग्राफी के लॉजिक को कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है कि इंडिकेट करता है मीन जियोग्राफी में है ना तो फर्स्ट वन जो है आपका देखिए फर्स्ट वन जो है आपका वो क्या है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं तो फर्स्ट है देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स है ना बताता है कि शहरें वहीं हैं जहाँ पर क्या हैं नदियाँ हैं शहरें वहीं हैं जहाँ पर क्या है नदियाँ हैं है है? नदिया है. तो फर्स्ट आंसर ये करेक्ट है आपका कि ये बात हम लोग को पोएम में पढ़ने को भी मिला है कि जहाँ शहर वहीं सिचुएटेड है जहाँ पर क्या है नदियाँ हैं सेकेंड है सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम सिक्स माइल्स अबोव द ग्राउंड सेकेंड सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम सिक्स माइल्स अबव द ग्राउंड यानी सिटी एकदम जो है कि वैसा ही नज़र आता है क्या जैसा कि सिक्स माइल्स ऊपर से ग्राउंड के ऊपर से नजर आता है नहीं ऐसा नहीं होता है जब हम सिक्स माइल्स के हाइट पे होते हैं तो वहाँ से सिटी हमारा कुछ और नज़र आता है और जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो हमारा सिटी जो होता है वो एज़ यूजुअल जैसा है वैसा नज़र आता है है ना तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है तो फर्स्ट एक करेक्ट है सेकंड जो है ये करेक्ट नहीं है द थर्ड वन इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई वैलीज़ आर पॉपुलेटेड यानी जब पोइट एक हाइट पे जाता है तो उसे ये पता चलता है कि जो हमारा वैली है वो क्यों पॉपुलेटेड है वो इस चीज़ को क्या करता है वो समझ जाता है तो यहाँ पर जो आपका आंसर नंबर थर्ड है है ना वो क्या है सॉरी हाँ आंसर जो थर्ड है वो भी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड द फोर्थ वन क्या है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमस हिट एंड किल वन अन अदर सही है जो सबसे लास्ट स्टैंड हम लोगों ने पढ़ा है उसमें पोइट को दो तीन चीज़ें पति चल पता चली क्या कि आ, अर्थ जो है कि वो राउंड है लेकिन वो ज्योग्राफिकल लॉजिक नहीं है क्यों क्योंकि ये नॉर्मल सी बात लो है लोग जानते हैं कि अर्थ जो है क्या है वो राउंड है है ना तो यहाँ पर सबसे जो लॉजिक वाला जो बात लगा उसको उसको ये समझ में आता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट ये बहुत कठिन है लोगों को समझना है ना कि ख्वाइ ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर क्यों जो लोग हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं मारते हैं तो ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ सेल्फिश नेचर अपने सेल्फिश नेचर की वजह से ऐसा हम करते हैं है ना पोसेशन की वजह से पोसेशन मीन्स जब हम ग्रीड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति लालच की तरफ बढ़ता है ना तो इस तरह के जो है ना कि एक्टिविटीज़ हमारे अंदर आने शुरू हो जाती हैं अंदर तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है जियोग्राफिक लॉजिक के अकॉर्डिंग एंड द फिफ्थ वन द अर्थ इज राउंड करेक्ट है एंड इट हैज़ मोर सी दें लैंड ये भी करेक्ट है लेकिन ये जो बात है ये नॉर्मल है ना ये जो बात है ये नॉर्मल है ये हम लोग को पता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक की बात नहीं है ये नॉर्मल बात है जनरली ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं लेकिन जो जोग्राफी जो का लॉजिक है जब भी आप जोग्राफी लेसन पढ़ते हैं तो ह्यूमन के अबाउट आपको नहीं समझ में आता ये पढ़ने को नहीं मिलता है है ना फिर वैलीज पॉपुलेटेड है ये बात समझ में आती है पोइट को ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है सिटीज़ किस तरह का अपीयर होता है हाइट से है ना तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ आपका यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट थर्ड एंड फोर आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्या है मैंशन टू थिंग्स दैट आर है ना एक बात मैं यहाँ बता दू कि अगर इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आने को रहते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो फोर है आपका ये ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें बताना है बस जो बात दिया है उसको क्लियर करना है फर्स्ट ए क्लियर फ्रॉम द हाइट मैंसन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट एक हाइट से वैसे दो चीज़ों को बताना है जो एकदम क्लियर आपको नजर आता है साफ साफ दिखाई देता है उसको आपको बताना है तो देखिए फर्स्ट आंसर में हम लोगों ने क्या लिखा है फर्स्ट आंसर क्या है आपका कि फ्रॉम द हाइट इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन ये पता चलता है कि क्यों जो अपना जो शहर है है ना वो जो कंट्री है कंट्री के पास जो शहर हैं कंट्री हैड सिटीज है ना वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड ये साफ साफ पता चलता है कि जो शहर हैं वो नदियों के साथ साथ हैं नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं हमारा जो वैलीज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या था पॉपुलेटेड था इट वॉज़ ऑल्सो क्लियर है ना और यह भी क्लियर है दैट द अर्थ वॉज़ राउंड वो एक हाइट से जो है कि एकदम साफ पता चलता है ऐसे हमको नहीं पता चलता है नीचे से ग्राउंड पे नहीं पता चलता है लेकिन जब हम एक हाइट पे चले जाते हैं सिक्स माइल्स के हाइट पे चले जाता है पॉइंट तो उसे पता चलता है कि अर्थ क्या है राउंड है एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड और अपने अर्थ के पास बहुत ज़्यादा सी है लैंड की कंपेयर लैंड के कंपेरिजन में है ना तो दो थिंग्स हमको बताना था जो क्लियर है एकदम हाइट एक हाइट पर जाने पर जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो ये टू थिंग्स क्लियर हो जाती हैं है ना द सेकेंड क्वेश्चन है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट हाइट पे हम जाते हैं लेकिन बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं उन दो चीज़ों को देख लेते हैं आंसर है आपका सेकेंड फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई द मेन ऑन द अर्थ फाउंड रीजन्स टू हेट इच अदर तो यहाँ पर सही बात है भाई पोइट का लिए ये अंडरस्टैंड करना ये डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स पोइट ये कहता है वहाँ ये चीज़ ही क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिरकार क्यों है ना अर्थ राउंड है नेचर एक जैसा है हर जगह से एक जैसा है नेचर तो फिर क्यों जो लोग हैं है ना अर्थ पर वो रीजन फाउंड करते हैं कारण ढूंढते हैं लोगों से एक दूसरे से नफरत करने के लिए ऐसा क्यों तो एक चीज़ ये क्लियर नहीं हो पाती है हाइट से दूसरी चीज़ इट वॉज़ ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडेबल वाई मेन हैड टू बिल्ड वॉल्स सिटीज एंड दे हैड टू किल ये भी बात क्लियर नहीं है कि क्यों जो लोग हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि क्यों जो लोग हैं ये भी समझ से बाहर है ये आपस में ही शहरों को बीच में क्या किया है दीवार बना दिया है है ना एंड व्हाई दे हैड टू किल और एक दूसरे को मारने पर क्यों तुले हुए हैं तो ये दो चीज़ हाइट पर जाने से भी एक अच्छी हाइट पे जाने के बाद भी पॉइंट को क्लियर नहीं हो पाती है तो ये आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर फोर और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि पोएम का स्टैंडर क्लियर किया गया है तो कोई अगर इफ़ योर राइटिंग स्किल इज स्ट्रॉन्ग एंड योर ग्रामर इज लिटिल विट स्ट्रॉन्ग आपका ग्रामर सेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है राइटिंग स्किल आपको बहुत अच्छा है तो पोएम का पॉइंट तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन हो गए आपके स्टैंडा को मैंने क्लियर कर दिया था समराइज कर दिया था तीनों पार्ट में डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आपने कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आता है देन आई कैन होप यू विल राइट द आंसर है ना इन अ वेरी स्मार्ट वे आप बहुत अच्छे से आंसर जो हैं इस पोएम का लिख सकते हैं तो एट लास्ट आपका जो ये सेकेंड पोएम है है ना ये लास्ट वीडियो था उसका खत्म होता है और इसके बाद जो है कि आपको थर्ड चैप्टर पढ़ना है तो स्टिल हमने क्या क्या पढ़ लिया फ़र्स्ट चैप्टर जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन वर्ल्ड वो हो गया उसमें जो द एंड एंड द क्रिकेट पोएम था वो पढ़ लिया आपने सेकेंड चैप्टर जब था आपका द सुनामी वो क्लियर हो गया और इसका जो पोएम था सेकेंड जियोग्राफी लेसन ये क्लियर हो गया तो ओवरऑल बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि चारों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और कोई डाउट नहीं है सब कुछ आपने होमवर्क भी सिंसेअरली किया है थैंक्स फॉर दिस और इसी तरह से पढ़ते रहना अच्छे से और कंटिन्यू जो है ना कि आगे भी नोट्स तैयार करते रहना है ढंग से और एक चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन आंसर है चैप्टर्स में आप कॉप सॉरी कॉपी में जो है ना कि आप अपना फेयर करते हैं नोट्स करते हैं उसको रिवाइज करते रहें पढ़ते रहें याद करते रहें है ना इट विल बी हेल्प एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन आपके एग्जाम के टाइम जो है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप उसको नोट करके रखेंगे चारों क्वेश्चन में चार क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है और हम लोग लाइव क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे ओके okay? बाय